ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रुचिका, और आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं बिहार के बारे में। ओके, जो आपकी 16 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मैंने कल ही एक सेशन अपलोड की थी, उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार दिखेगा, जिसमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न मैंने तीनों कवर की थी। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिखेंगे। ओके, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अब आपने काफ़ी थ्योरी पढ़ रखी होगी, बट आप लास्ट टाइम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे आपका जो है वो ग्रूम अप होगा और आपको ही पता चलेगा कि आपने कितनी पढ़ रखी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ बिहार का। तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा कि यंगर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, कहाँ पे नॉर्थ में, और साउथ में जो है वो ओल्ड है। ओके, उसके बाद जो है डारवेरियन रॉक्स जो है वो ओल्डेस्ट है, लेकिन क्वार्टरनरी रॉक्स देखा जाए तो वो यंगेस्ट है, यानी वो न्यू है। यहाँ पे आपको तेराई रीजन देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट साइड में, और गैंगेटिक प्लेन देखने को मिलेगा सेंटर में, और प्लेटू है सदर्न रीजन में। तो ये आपका जो है एक क्रिप्स आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार में। लेकिन हम लोग का यहाँ मेन मोटिव है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप लेसन चाहते हो कि बिहार में मैं हर एक, जैसे ज्योग्राफी हो या फिर आपका हिस्ट्री हो, उस तरीके से लेसन बनाऊँ, तो वो भी लेसन बना दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, लेकिन अभी टाइम कम है तो मुझे लगा कि क्वेश्चन ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो फर्स्ट है कि जो न्यूअर एलोवियल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोवियम। ओके, न्यूअर एलोवियम जो सॉइल होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं खादर। और जो ओल्डर एलोवियम सॉइल होता है उसको हम लोग भांगर कहते हैं। ओके, तो भांगर ओल्डर हो गया और न्यू जो हो गया वो खादर हो गया। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, जो ओल्ड एलोवियम है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तो इसकी भी हो गई ए। ओके, ओल्ड को हम लोग भांगर कहते हैं और न्यू को खादर कहते हैं। कितने टाइप्स का आपको रॉक देखने को मिलेंगे बिहार में, जो कि स्ट्रक्चरली वो क्लासिफाइड है? तो मेनली आपको चार तरीके के रॉक्स देखने को मिलेंगे बिहार में। ओके, मेनली थ्री टाइप्स की होती है, लेकिन जो रॉक का टाइप है ना वो आपको फोर देखने को मिलेंगे बिहार में। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है आपका विंध्यान रॉक का वो क्या है? तो विंध्यान रॉक जो है वो आपका हॉरिजेंटल बेड है, मीन्स इस तरीके से आपका हॉरिजेंटल में है। ओके, नेक्स्ट है कि जो टाइम पीरियड है क्वार्टरनरी रॉक फॉर्मेशन का वो क्या था? क्वार्टरनरी रॉक फॉर्मेशन का आपका टाइम जो था वो है प्लेइस्टोसीन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी टोपोग्राफीज़ है जो कि यंगेस्ट है अगर हम लोग देखें फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो सबसे यंगेस्ट जो है न्यू जो है वो है गंगा प्लेन। नेक्स्ट है, जो आपका 2011 प्रीलिम्स में आया हुआ है, कि माइका डिपॉजिट जो है वो किस तरीके के रॉक में पाया जाता है? तो माइका डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा धरवार। ओके, नेक्स्ट है कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के जेइस क्वार्ट्जाइट और सिचिट्स रॉक जो है मिलते हैं? तो ये आपको मिलेंगे मुंगेर में। विंध्यान ग्रुप का जो रॉक है वो कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेंगे कैमूर में। बिहार में अगर देखें तो कैमूर सीरीज़ जो है रॉक का वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हो गई आपकी बी, जैसे कैमूर। ओके, ये आपका 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। कौन सी रॉक है जो इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी बिल्डिंग पर्पज़ के लिए बनाने के लिए? तो ये है विंध्यान। जियोलॉजिकल सदर्न प्लेटू अगर हम लोग देखें बिहार का, तो वो किस पीरियड में बना था? तो ये है आपका प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ओके, ये 2008 में आया है। अब इसमें से करेक्ट जो आंसर है, यानी जो करेक्टली मैच है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आपका चार तरीके का जो रॉक का टाइप्स है वो यहाँ पे है, धरवार, विंध्यान, टर्शरी और क्वार्टरनरी। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, प्लेसेस दिया हुआ है, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है कि कौन कौन सा आपका करेक्ट मैच है। तो धरवार अगर देखें तो ये साउथ वेस्ट बिहार। ओके, तो विंध्यान देखें तो साउथ ईस्ट टेरिटरी, टर्शरी देखे तो हिमालय, और क्वार्टरनरी देखे तो प्लेन बिहार। तो इसमें जो आपका करेक्ट मैच है वो है आपका थर्ड और फोर्थ, क्योंकि धरवार आपका साउथ ईस्ट बिहार में, विंध्यान आपका साउथ वेस्ट में। ओके, तो ये आपका क्रॉस्ड मैच है, तो यानी यहाँ पे आपका डी आंसर सही हो गया। इनमें से कौन सी फॉलोइंग जो है आपकी यंगेस्ट रॉक है, ये 2007 में पूछा गया है। तो यंगेस्ट रॉक आपका क्वार्टरनरी है। इनमें से कौन सी फॉलोइंग पेयर्स है जो करेक्टली मैच्ड है? तो करेक्टली मैच्ड आपको देखने को मिलेगा धरवार रॉक में क्या क्या पाया जाता है, जेनिस और सिसिट, ये सही है। ओके, उसके बाद विंध्यान रॉक आपको एलोवियम, टर्शियरी रॉक लाइमस्टोन शेल, क्वार्टरनरी रॉक, ये सारी गलत है। ओके, सिर्फ फर्स्ट सही है। नेक्स्ट आते हैं रामनगर डून, ये कहाँ पाया जाता है, किस पीरियड में पाया जाता है? तो ये आपका करेक्ट है टर्शियरी। ओके, नेक्स्ट है बिहार स्टैंड्स किस पोजिशन में स्टैंड किया है आप अगर एरिया वाइज देखें इंडिया में, तो बिहार का जो नंबर है वो है 13। ओके, एरिया वाइज देखें तो हम लोग पूरे इंडिया में 13 नंबर पे है। ये आपका 2009 प्रीलिम्स से पूछा गया।
बिहार प्लेन जो है वो आपका गंगा प्लेन का पार्ट है, तो इनमें से कौन सी करेक्ट है आपका, ये लोअर गंगा प्लेन में आपका पार्ट देखने को मिलेगा। ओके अगर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का देखें इंडिया का, तो बिहार इसमें से कितने से बना हुआ है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.86, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 2011 का है। जो कंट्री बॉर्डर कर रहा है बिहार को वो कौन सी है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे नेपाल है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखे बिहार का, तो ये है हमारा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ओके जो नॉर्थ वेस्टर्न हील है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है टर्शरी में। ब्रेडेट ऑफ बिहार देखे ईस्ट टू वेस्ट, ओके ईस्ट से वेस्ट तक देखे अगर ब्रेडेट ऑफ बिहार, तो ये कितनी चौड़ाई है, ये है आपका 483 किलोमीटर। बिहार के पास यंगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो वो यंगर कहाँ पे है, तभी मैं बताई थी यंगर आपका नॉर्थ में है और ओल्डर आपका साउथ में है। तेराई रीजन जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तेराई रीजन आपका ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण दोनों में, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। जो ट्राइब है वो तेराई रीजन में कौन से ट्राइब पाए जाते हैं, तो तेराई रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको थारू ट्राइब देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट पार्ट जो आपका है रामनागर दून का वो क्या है, हाईएस्ट पार्ट आपका है शंतपुर। सोमेश्वर रेंज उसका एरिया कितना है, सोमेश्वर रेंज का आपका एरिया है वो तेराई रीजन के पास। ज्योग्राफिकल एरिया अगर देखें कि बिहार प्लेन के द्वारा कितना ऑक्यूपाइड किया गया है टोटल एरिया के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 96%। एवरेज स्लोप अगर देखें बिहार प्लेन का, तो एवरेज स्लोप जो है वो आपका है 35 सेंटीमीटर। चौर्स जो है बिहार प्लेन में उसको क्या बोलते हैं, ये है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक होता है जैसे कि आपका रिवर आती है, रिवर की फ़्लो इस तरीके से होती है। ओके लेकिन समटाइम्स क्या होती है ना कि इस तरीके से फ़्लो करते करते कुछ अगर पत्थर आ गए या कुछ बैरियर आ जाता है, तो रिवर अपना डायरेक्शन दूसरी तरीके दूसरे जगह कर लेती है, तो उस समय क्या होता है कि कुछ जो रिवर है ना वो ऐसे रुक जाती है और यहाँ से आपका दूसरा डायरेक्शन हो जाता है। तो इस समय जो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना रिवर का, इसको मीएंडर कहते हैं, और मीएंडर से ही आपका ऑक्सबो बना है। जैसे ये तरीके का अलग हो जाता है, जैसे इस तरीके से और ये यू शेप में आता है ना, तो ऐसे आपका अलग हो जाता है। तो जिस इस तरीके का जो आपका छूट जाता है पानी का जो आपका लहर होता है, तो इस तरीके के आपको इस तरीके को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो। ओके नेक्स्ट बिहार में आपको मैक्सिमम एरिया दिखेगा जो कि एक्सटेंड हुआ है, वो कौन से रीजनल नेचुरल रीजन रीजन में एक्सटेंड हुआ है, तो इसकी करेक्ट आंसर आपकी बी नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन। जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको लॉन्गेस्ट बॉर्डर देखने को मिलेगा जो कि नेपाल से है, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो है वेस्ट चंपारण। हाईएस्ट प्लेस अगर बिहार में बोले तो वो कहाँ है, वो है सोमेश्वर। ओके अब देखते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल, ये भी आपके ज्योग्राफिकल फीचर्स में ही आता है, तो थोड़ा मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। बिहार में आपको देखने को मिलेगा कि मॉनसून टाइप होती है क्लाइमेट की, साथ ही अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है क्योंकि ये आपका सी के नियर में ही होता है, यहाँ पे आपका जो है सी के पास होता है। लेकिन वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वो ड्राई होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होते हैं, चारों ओर आपका सिर्फ पठार और ज़मीन ही दिखेंगे। अगर नदर्न पार्ट की बात करें तो वो कूलर होता है एज़ कंपेरिजन टू सदर्न पार्ट, क्योंकि नदर्न पार्ट जो है वो आपका हिमालय के नज़दीक होता है, और ईस्टर्न पार्ट जो है वो रिसीव करता है आपका 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, और अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो ये सिर्फ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ही रिसीव कर पाता है। ओके लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कितनी डिस्टिंक्ट आपको सॉइल की टाइप्स देखने को मिलेगी जो कि नॉर्थ बिहार प्लेन में और साउथ बिहार प्लेन में और सदर्न प्लेटू रीजन में पाई जाती है, तो ये है टोटल आपकी 3। मेन रीज़न क्या है कि हायर ह्यूमिडिटी देखने को मिलता है ईस्टर्न बिहार में, क्योंकि ईस्टर्न बिहार आपका सी से लगता है तो ये नियर टू द सी है इसलिए। कितना रेनफॉल आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न बिहार में, तो ईस्टर्न बिहार में आपको 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, और वेस्टर्न बिहार की बात करें तो 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर आपका सी आंसर होगा। हाउ मच रेनफॉल जो है आपको वेस्टर्न बिहार में देखने को मिलेगा, तो ये है 100 सेंटीमीटर। बिहार क्लाइमेट को कौन सी क्लाइमेट कहते हैं, तो बिहार क्लाइमेट जो है वो आपकी हो जाएगी कॉन्टिनेंटल मानसून क्लाइमेट। इनमें से कौन सी क्रॉप्स है जो आपकी ग्रो होती है रेड और येलो सॉइल में, तो ये रेड और येलो सॉइल में जो है वो आपकी पल्सेस होती है, ये 2002 की एक क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी आपको लोएस्ट देखने को मिलता है कौन से मंथ में, तो ये है अप्रैल के मंथ में। यहाँ पे एसर्शन और रीज़न है, एसर्शन कह रहे हैं कि वेस्टर्न बिहार जो है वो एक्सपीरियंस करता है हायर टेम्परेचर ईस्टर्न बिहार के कंपेरिजन में अप्रैल के मंथ में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो आपका टेम्परेचर ब्रिंग करता है लाता है ईस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे
दोनों स्टेटमेंट सही है और ये जो है आपका रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असिस्टेंट का, यानी यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो इम्पैक्ट करता है बिहार के कौन से रीजन में, तो नॉर्थ वेस्टर्न आपको देखने को मिलेगा ईस्ट पार्ट में इम्पैक्ट करता है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो आपकी करेक्ट नहीं है नॉर्थ वेस्टर्न को लेकर, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी कि ये यहाँ पे ह्यूमिड विंड हॉट विंड जो है वो ब्लो करती है वेस्ट से, नहीं ये वाली गलत है। ओके बाकी जो नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो आपकी साइक्लोनिक विंड है ये सही है, ये जो है आपका रेनफॉल लाती है 10 सेंटीमीटर और ये जो है यूज़फुल होती है क्रॉप्स जैसे कि आपका लीची हो गया, राइस हो गया, जूट हो गया, ये सारी सही है लेकिन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, सबसे ज़्यादा गर्मी आपको गया में देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा ठंड भी गया में ही देखने को मिलेगी। लोकल विंड जिसको हम लोग लू कहते हैं वो बिहार में बहती है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी वेलोसिटी है 5 to 10 miles per hour। किस डेट में मानसून विंड ईस्टर्न बिहार में आता है, अगर डेट पूछ रहे तो ये 7th ऑफ जून है, 1st ऑफ जून में आपको देखने को मिलेगा, ये केरला कोस्ट में आता है तो बिहार में आते आते 7 days लग जाती है। मेन कॉज क्या है कि बिहार में आपको मानसून देखने को मिलता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, एवरेज रेनफॉल अगर देखें बिहार में कितना है तो ये है आपका 112 सेंटीमीटर। जो बर्स्ट होता है मानसून बर्स्ट वो थंडर के साथ होता है और लाइटनिंग के साथ होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइक्लोन होता है इसके फ्रंट में। अगर उसार सॉइल की बात करें तो ये तिरहुट में पाया जाता है, तो पर्टिकुलरली कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है सिवान में। किस मानसून मंथ में मानसून जो है वो आपका रिट्रीट करता है बिहार से, मीन्स मानसून जो है रिटर्न होता है, तो ये आपको अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगा। हतिया नक्षत्र ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये आपका एसोसिएटेड है रेनफॉल जो कि अक्टूबर में होता है। लोएस्ट रेनफॉल अगर देखें तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है, लोएस्ट रेनफॉल आपका सबसे ज़्यादा देखें तो औरंगाबाद में होती है सबसे कम बारिश। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हाईएस्ट रेनफॉल होती है, तो हाईएस्ट रेनफॉल आपका किशनगंज में होता है। डिस्ट्रिक्ट जिसमें आपको खादर सॉइल देखने को मिलेगी वो कहाँ कहाँ स्प्रेड है, तो ये आपका पूर्णिया और सहरसा में। हॉट वेदर सीज़न अगर कहे तो वो कब स्टार्ट होता है बिहार में, तो ये मार्च में स्टार्ट होता है। कोल्डेस्ट मंथ अगर बिहार का देखे तो वो कौन सा है, कोल्डेस्ट मंथ आपका जनवरी हो गया। लोएस्ट टेम्परेचर देखे बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो लोएस्ट टेम्परेचर भी आपका गया में होता है। कोल्ड वेव्स जो एक्सपीरियंस होता है बिहार में वो विंटर सीज़न में देखा जाता है, तो इसमें कौन सी एरिया कवर की जाती है, तो इसमें मेनली आपका बिहार प्लेन कवर होता है। एसर्शन और रीज़न है, एसर्शन कह रहे हैं कि बिहार प्लेन जो है उसमें आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है जो कि ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन सी से दिसंबर और फरवरी के बीच में। रीज़न है कि ये ओरिजिनेट होता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इसमें से आपका कौन सा सही है, दोनों सही है और रीज़न जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, इट मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सॉइल अगर देखें नॉर्थ बिहार प्लेन में तो वो क्लासिफाइड है कितने टाइप का, तो नॉर्थ बिहार प्लेन में आपका 3 टाइप का है। पेडमॉन्ट सॉइल जो है वो आपके बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो ये है आपका वेस्ट चंपारण। इनमें से कौन सा फीचर्स है जो गलत है आपका पेडमॉन्ट सॉइल का, ये पेडमॉन्ट सॉइल आपको बहुत न्यू दिख रहा होगा क्योंकि ये बिहार में पाया जाता है, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंटेंट में रिच होता है, इसमें हाई क्ले कंसनट्रेशन देखा जाता है, ये गुड है राइस क्रॉप का और ये मोस्टली फाउंड होता है, नहीं ये आपका साउथ बिहार प्लेन में नहीं, ये आपका नॉर्थ बिहार साउथ बिहार दोनों में होता है, तो ये गलत है। इनमें से कौन से फीचर्स है जो आपका तराई सॉइल जो होता है बिहार में उसके लिए इनकरेक्ट है, गलत है, तो ये न्यूट्रल टू एसिडिक है रिएक्शन में, ये ग्रे टू येलो कलर का होता है, सही है। लोलैंड सॉइल जो है वो मोर फर्टाइल है देन अपलैंड, ये भी सही है। हाई मैग्नीशियम कंसनट्रेशन, नो इसमें लो मैग्नीशियम कंसनट्रेशन होता है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लाइम कंसनट्रेशन जो है वो हायर होता है बिहार सॉइल में, लेकिन वो किस रीजन में होता है, तो ये आपका नॉर्थ बिहार में देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सी फॉलोइंग फीचर्स है जो गलत है, आपका भांगर सॉइल जो पाया जाता है जो ओल्ड एलुवियम सॉइल भी होता है, तो भांगर सॉइल आपका लोमी सॉइल होता है, इसमें पुअर ड्रेनेज है, इसमें आपका शुगर केन कल्टीवेशन के लिए सही है, ये लो लैंड एरिया में, नहीं ये आपका हाईलैंड अपलैंड और लो लैंड दोनों में देखने को मिलेगा लेकिन ज़्यादातर अपलैंड में होती है। इनमें से कौन सी फॉलोइंग फीचर्स है जो आपका सही है, खादर सॉइल जो कि न्यू एलुवियम भी होती है, तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये है, ये आपका नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इसमें होता है। उसार सॉइल जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो उसार सॉइल आपका सिवान में। ताल सॉइल जो है वो आपका बक्सर से लेकर कहाँ तक स्प्रेड है, तो ताल सॉइल आपका बक्सर से लेकर बांका तक। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है अगर देखा जाए कराइल केवाल सॉइल के लिए,
तो इसमें गलत जो है ये आपका हेवी क्ले सॉइल है, ये सही है, ये आपका साउथ बिहार में है, ये सही है, ये एसिडिक है, एसिडिक टू अल्कलाइन है, ये भी सही है, ये लेस वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं, ये हाई वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो ये आपका गलत हो गया। ओके इनमें से कौन सी फॉलोइंग फीचर्स है जो गलत है आपका टार सॉइल के लिए? तो टार सॉइल जो है वो आपका ग्रे कलर का होता है, आपका केसारी क्रॉप के लिए बहुत ही गुड होता है, ये वाटर लॉक्ड होता है लॉन्ग टाइम के लिए, और ये आपका साउथ बिहार नहीं नॉर्थ बिहार में नहीं, आपका साउथ बिहार में पाया जाता है। टाल सॉइल जो है वो पाया जाता है आपका किस बेल्ट में? तो ये है बैक वाटर बेल्ट में गंगा के। क्रॉप्स जो कि ग्रो होता है बाल्टर बालथार सॉइल में वो कौन सी है? तो ये है आपका ज्वार और बाजरा। एसर्शन और रीज़न है, रेड और येलो सॉइल जो है वो आपका साउथ प्लेटू रीजन में पाया जाता है, आयरन प्रेजेंस जो है ये आपको रेड कलर देता है, तो यानी आपका दोनों सही है, और यानी आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको भांगर सॉइल देखने को मिलेगा? तो भांगर सॉइल आपको गया में देखने को मिलेगा। बिहार एंजॉय करता है एक कौन सी मानसून? तो ये है कॉन्टिनेंटल मानसून। कब जो है आपका लू विंड ब्लो होता है इन बिहार में? तो बिहार में जो लू आपका होता है अप्रैल टू मई, ओके मार्च टू मई कह सकते हो, लेकिन यहाँ लेट अप्रैल लिखा है तो इट्स ओके। उस प्लेस का नाम बताना है बिहार में जहाँ पे यूजुअली सबसे लोएस्ट टेम्परेचर देखा जाता है, तो ये है आपका गया। जो भांगर सॉइल है वो आपका लाइम में रिच है, जो कि सुटेबल होता है कौन किसके लिए? तो ये शुगर केन के कल्टिवेशन के लिए। कहाँ जो है आपका ताल सॉइल यूजुअली पाया जाता है? तो ताल सॉइल आपका बैक वाटर बेल्ट जो गंगा का होता है उसमें पाया जाता है। कौन सी सॉइल है जो कि आपका फॉर्म होता है डिसइंटीग्रेशन, जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फोड जो रॉक होता है उसके अलग होने से या मिलने से? तो ये जो आपका फॉर्म्ड होता है रेड एंड येलो सॉइल। ओके तो ये डिसइंटीग्रेशन यानी किसके मिलने से? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के मिलने से आपका रेड और येलो सॉइल यहाँ पे फॉर्म होता है। सो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। तो अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप मुझे अन अकेडमी में भी फॉलो कर सकते हो ऋषिका नाम से। ओके यहाँ पे आपको मेरी टोटल 4 कोर्सेज देखने को मिलेगी जो कि ज्योग्राफी में है, और साथ ही आपको बीपीएससी से रिलेटेड होगी, तो ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्स मिलेगी, और सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैप, तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी अगर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।